मिस्टर करन, मिस्टर करन, कितने घूमो तुसी? सॉरी डॉक्टर, तुहाड़ियां रिपोर्ट्स आ गईयां ने ते मैं उन्हां दा गो थ्रू कर लिया। डॉक्टर साहब की कहनियां मेरी रिपोर्ट्स? दसो ना डॉक्टर प्लीज। तुहाड़ियां रिपोर्ट्स कहंदियां कि तुसी बिल्कुल ठीक हो, बिल्कुल फिट एंड फाइन हो, तुहाड़े विच कोई कमी नहीं है। आ गल सुन के लोग खुश हो जाते हैं, पर मैं तुहाड़ा दुख समझ सकता, पाप है ना मिस्टर करण? मैं तुहाड़ा दर्द समझ सकता कि हुण सिर्फ उन्हां ते सवाल होणगे, बट डोंट वरी, लोग की कहिंदे ने की नहीं कहिंदे असीं उन्हां दी परवाह नहीं करनी। मिस्टर करण मेरे ते ट्रस्ट रखो, छेती सब कुछ ठीक हो जाणा। वैल आई एम रियली वेरी सॉरी, मैं तुहाड़े कोल थोड़ी देर होर बैठ सकता सी, बट मैनूं होर पेशेंट्स नूं भी वेखना है। हाँ जी, तुसी बिल्कुल सही कह रहे हो डॉक्टर साहब, हुण मैं किसी की भी परवाह नहीं करनी, बस बहुत हो गया, हुण मैं पावनी नूं होर दुखी नहीं देख सकता। मैं फैसला कर लिया, हुण मैं सबनों यही दसना है कि वो मैं ही हाँ जो बच्चा पैदा करने लायक नहीं है। सॉरी बाबनी, ये शायद पहला झूठ होएगा जरा मैं तेनू बोलूंगा, पर मैं की करा, मैं तेनू और दुखी नहीं देख सकता। सॉरी करण सर, ये थोड़ा पर्सनल मैटर है, पर फिर भी ये सब क्यों कर रहे हो? की कर रहा मैं टेस्ट करवाए सी, उन्हां दी रिपोर्ट्स है ते बस वही वेख रहा सी, इन्हां दे हिसाब नाल मेरे विच प्यो बनन दी काबिलियत नहीं है। क्यों झूठ बोल रहे हो तुसी सर? मैं जानती हूँ ये रिपोर्ट झूठी है, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਪਾਵਨੀ ਦੇ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਲੁਕਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਮੋਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਤੈਨੂੰ ਇਨਵੋਲਵ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਤੇਰੀ ਉਮਰ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਹੈ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲਾਂ ਤੂੰ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਣੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਉਮਰ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਸੱਚੀ ਘੱਟ ਹੈ ਸਰ, ਪਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਮੈਂ ਸੱਚੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਮਝਦਾਰ ਇਨਸਾਨ ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਸਮਝੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਸਾਰੇ ਪਾਵਨੀ ਦੀਦੀ ਤੇ ਉਂਗਲ ਚੱਕਦੇ ਨੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ? ਇਹ ਝੂਠੀ ਰਿਪੋਰਟ ਬਣਾਈ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਸਕੋ ਕਿ ਮੈਂ ਪਿਓ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਕਮੀ ਪਾਵਨੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹੈ ਨਾ ਕਰਨ ਸਰ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਸਭ ਕੁਝ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਪਾਵਨੀ ਦੀਦੀ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਤੋੜ ਦੋਗੇ, ਤੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਹੀ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਜਾਊਗਾ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਨਾ ਕਰੋ ਸਰ, ਪਲੀਜ਼ ਸਰ ਨਾ ਕਰੋ। ਮੋਨਾ, ਤੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪਾਵਨੀ ਵੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਝੂਠ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਬੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਪਰ ਸੱਚ ਸੱਚ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਪਾਵਨੀ ਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਧੋਖਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਉਹਦਾ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਤੋੜ ਸਕਦਾ, ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਜਾਣਦੀ ਸੀ ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਪਾਵਨੀ ਦੀਦੀ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਲਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਰ ਆਖਿਰ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਫੈਸਲਾ ਹੀ ਲਓਗੇ।
अवनी कदों आए तुसी? बस जदो तेरी अख खुली बस हुणे आए। तुसी भी ना पता नहीं चोर की वे फड़ लेंदे हो, दिल ते तो तुसी बिल्कुल बच्चे हो। वो तो सिर्फ तेरे लिए पावनी, अंदरों मैं चोरा ले कितना सखा था ऐ तू नहीं जानदी। अच्छा अज तुहाडी रिपोर्ट आनी सी ना, की होया उहनां दा? ओ कला जानी है। अच्छा दोपहर विच कित्थे सी तुसी? मैं कई बार कॉल भी कीती तुसी चुके ही नहीं। मैं डॉक्टर गुरवीर नाल सी, अपनी रिपोर्ट्स बारे डिस्कस कर रहा सी। मैं सचमुच बहुत लकी हां कि मैंने तुहाडे वर्गा जीवन साथी मिलिया। कितना सोचते हो ना तुसी मेरे बारे। पावनी तू मेरी घरवाली है, तेरे बारे नहीं सोचांगा तो फिर किदे बारे सोचांगा? क्यों, तुसी स्मार्ट हो, हैंडसम हो, पुलिस ऑफिसर हो, तुसी तो किसी बारे भी सोच सकते हो। ओके तो फिर एक काम कर ना, आज तो ना इधर बारे सोचना शुरू कर दे। अच्छा करण जी, कितने मैं तुहानू मोना नू लेके सरों किसी लिए फोर्स तो नहीं कर रही ना? पावनी तू सच जाना चाहती है? पावनी जे मेरे हाथ विच होंदा ना ते मैं इहदे लई कदे वी हाँ नहीं करदा, पर जिहड़े हालात है ना साडे उहदे विच मैं ना भी नहीं करना चाहुंदा। हुण सरोगेसी दे थ्रू साडा बच्चा होवे साडे कोल बस यही ऑप्शन है पावनी, होर कोई ऑप्शन भी नहीं है। तैनू भी बच्चा चाहिदा, मैनू भी बच्चा चाहिदा, मैं इस लई हाँ कर रहा। पर पावनी मैं हुने भी कह रहा, एक बारी जरा ध्यान नाल सोच ले, मैनू मोना इन्नी वड्डी नहीं लग रही है। मैं ये सोच रहा जे तू ऐसा मेरी खुशी लिए कर रही है पावनी ते मैनू बिल्कुल भी मंजूर नहीं है। मैं भी खुश हाँ, मैनू बच्चे की कोई लोड़ नहीं है, मैं हमेशा खुश रहांगा पावनी, तेनू खुश रखांगा, ये मेरी प्रॉमिस है पावनी। तू मेरी दुनिया है पावनी, मेरी दुनिया। सिमरन गुरवीर, लेट हमेशा दी तरह। सॉरी हमेशा ही तरह सिमरन, वो तो साढ़े विच इन्नी मेजोरिटी नहीं सी, पर अज लेट नहीं हो सकता सी, तेरे डॉक्टर की जॉब का तो पता ही है ना, एक्चुअली एक इमरजेंसी केस आ गया सी। बैठ। गुरवीर एक गल पूछा, तेनों तो पता ही होना पर कुछ तो है जो करण वीरे ते पावनी भाभी दे सरोगेसी वाले डिसीजन ने मैनू सोचन ते मजबूर कर दिता है। कोई बिगानी कुक ते इन्ना भरोसा किवें कर सकता है? नहीं सिमरन, ये कोई पहली बार नहीं है। सरोगेसी ने बहुत सारे परिवारों को खुशियां दी, तो मैं तुहानू एक गल होर दस दिया, सरोगेसी के बड़े ही सख्त रूल्स ने, उन्हां दे साइन होने तो बाद ही असी अगे वधे, ते वैसे भी उन्हें 24 घंटे इस घर में रहना है तेरे सामने। अच्छा चल छड्ड इन्हां गल्लां नूं, असीं इत्थे इस वेले इकट्ठे हाँ सिर्फ तू ते मैं, ते सिमरन ते मैं तेरे नाल एक गल पूछना चाहना। नूर साडा बच्चा है पर तू उहदे बारे कोई गल क्यों नहीं करदी? वह की करदा है, किवें है, तू कुछ तां दस उहदे बारे। तू गल तां कीती सी उहदे नाल फोन ते, तेनू कुछ नहीं पता चलिया? हाँ पता चलिया, बड़िया चंगिया गल्ला कर रहा है साडा नूर।
बिल्कुल तेरे ते गया है साडा बच्चा ते अड़िया वो ही तेरे वांग ते जवाब तो बिल्कुल तेरे वांग दिंदा है। हाँ गुरवीर सच दसा ते हालात करके या फिर ऐदा कह लो कि मेरे करके इग्नोर होया है पर बड़ा ही प्यारा बच्चा है मेरा नूर पर शरारती भी एक नंबर दा है 24 घंटे मेरे नक विच दम करके रखदा है पर समझदार भी होना ही है। तैनू एक दिल दी गल दसा गुरवीर मैं इत्थे तेरे नाल दिल दीआं गल्लां ही करन आया सिमरन इन्ने साल मैं तेरे तो दूर रही हाँ गुरवीर बस एक नूर ही सी जिन्हें मैनू तेरी याद ते तेरे प्यार नाल हमेशा जोड़े रखे है। हाँ गुरवीर वो नूर ही सी जिन्हों देख के मैनू तेरी याद तो बहुत आँदी सी पर खुशी भी बहुत मिलती सी। सच दसा गुरवीर तो नूर जमा तेरे वर्गा है प्यार करन वाला ते केयरिंग। सिमरन हुण तां असीं इकट्ठियां तां दोवां दा फ्यूचर वेख सकदे हां ना तेरी भी उम्र इन्नी नहीं है कि तू कल्ले जिंदगी गुजारे बस सिमरन मैं तेरी हाँ दे इंतजार विच हां। आई एम सॉरी गुरवीर पर मैनू लगता है हजे भी पॉसिबल नहीं हो सकता तू हजे चंगी तरह भूआ जी नूं नहीं जानदा गुरवीर। भूआ जी यह तो उदों कहा सी आखिर इन्ने साल पहला होया कि सी। सिमरन तू मैनू दस तू मैनू छड़ के क्यों गई सी। प्लीज गुरवीर मैं इस बारे कोई गल नहीं करना चाहती ना ही मैं ये चाहनी हाँ कि तू मेरे उत्ते इस गल बारे कोई भी प्रेशर पावे मैं तैनू इन्हां गल्लां दा जवाब हजे नहीं दे सकती गुरवीर। दुध लेके मंदरी ला दे तिंत लेका कंगना वो दिखाई दे जा फिर तो ले जा अपने अंगना। हाँ मैनू इस कुड़ी बारे एदा सारा अगला पिछला की है जानना चाहना ए कौन है कित्थों दी है कड़े टप्पर चो है एदा पिछोकड़ की है कली कली गल मैनू एदी जन्म तो लैके अज तक दी सारी कुंडली चाहिदी है पूरी मैं वो भी जानना चाहना जिड़ा इनू अपने बारे आप भी पता ना होवे। हाँ ये कम छेती तो भी छेती होना चाहिए मैनू इस कुड़ी ते जमा भरोसा नहीं है समझ गया ना नहीं तो फिर तू देख ली। की देख रहे हो अंकल जी We'll be right back.
यही सवाल तो मैं तेनू पूछना चाहना कि तू इस घर च की कर रही है, की चाहनी है तू, की तू सचमुच मेरी धी नूं औलाद की खुशी देन आई है जां फिर तेरा कोई होर मकसद है। एक गल कहां अंकल जी, जो भी कोई बिना किसी मकसद के किसी की मदद करना चाहता है ना तो ओदे ते सवाल उठते ही नहीं। मैं बड़ी गरीब घर की कुड़ी ना, तो मेरिया वड्डिया उम्मीदा ने ते ना वड्डी सोच, फिर मेरे इत्थे आंदा होर कोई मकसद किवें होएगा भला। हाँ इत्थे आन तो बाद मेरा एक मकसद जरूर हो गया कि इत्थों जाण तो पहला ना मैं पावने दीदी नूं खुशियां दे के जांगी, वो मेरा अपनी छोटी भैणा वांग ख्याल रखदे ने जो मैनूं पहला कदे नहीं मिलिया, इस करके इस दे बदले मैं उन्हां दे दिल दी इच्छा पूरी कर रही हूँ। बस होर की कहां मैं, पर बस बस कुछ कहने की लोड़ नहीं, मैं समझ गया सारा कुछ। की समझ गए अंकल जी? जे तुहानूं लगता है कि मैं इस घर विच बुरी नीयत नाल आई है तो तुसी मेरे मुंह ते कह दो। हाँ हाँ समझ गया मैं, तू मेरी धी नूं औलाद दी खुशी देना चाहनी है, तू तो बड़ी नेक कुड़ी है। एक दिल नहीं बड़ी तेज कुड़ी है तू, ये जिन्नी बाहरों शरीफ बन रही है उन्नी अंदरों नहीं हैगी, इन्ना कुता अज अंदाजा हो गया मैनू। तुहानू पता है सारे नू मैं ना कल ही पता कर लिया सी कि किनू किनू की पसंद है, इसलिए मैं करण जी लई आलू दे परौंठे बनाए, ते पावनी दीदी लई मेथी दे परौंठे बनाए, ते सिमरन दीदी लई पोहा बनाया। ले एवे तू किन्नियां तेरी मांडा पूरियां करदी रहेंगी, ए सब करन दी की लोड़ सी? ए केड़ी गल करदी दीदी तुसी, अपने लई काम करना कोई मेहनत थोड़ी ना हुंदी है, मैनू कोई फर्क नहीं पैंदा, उल्टा मैनू ते खुशी हुंदी है सारे लई काम करके। एक तो पता नहीं कितों पल्ले पै गई यह कुड़ी, अपने वालों ही सारे नू अपने कही जाती है। ओह भुआ जी तुसी तो कुछ लिया ही नहीं, मैं मानती हाँ कि तुहाडी थोड़ी उम्र हो गई है पर एदा मतलब आ थोड़ी है कि तुसी खाना पीना ही छड़ दोगे, लो क्यों नहीं ले रहे? बस बस ये हुण तू मैनूं दसेंगी कि मेरी उम्र हो गई है, पर मैं कदे अग सवा नहीं खाधी ते इन्ने घोला मैं नहीं खा सकदी। एक खान नाल कुछ नहीं होएगा, लो बेफिक्र होके खाओ। बस 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 इन्ना भी स्वाद नहीं लग्या मैनूं, मैनूं नहीं चाहिदा। ता फिर मेनू दे दे, देख फेख के लग रहा कि किन्ना स्वाद है, मेरा तो जी नहीं भर रहा। सच्ची सिमरन दीदी तुहानू खुश वेख के ना बड़ा चंगा लग्या। सच कह रही है पावनी, जे एवे सिमरन खुश रहे तो सानू होर की चाहिए। ना केड़ी गल दी खुशी, खुशी दी कोई वजह भी होनी चाहिदी है, घर आला मरिया उहदे बच्चे दे सिर तों बाप दा साया गया ते अपने बच्चे बारे सोचे। वैसे बुरा ना मन्नना लाजो जी, सिमरन दी हले उम्र ही किन्नी क होई है, ये दूजा ब्याह भी करवा सकती है, नाले नूर नूं सहारा मिल जू। गल सुन लो सतपाल जी, ये थोड़े घराने च पछमी सभ्याचार दीआं रीतां होणीआं नहीं, खराणा खानदान च अपनीआं रीतां ते अपनी परंपरा है, इस घर दी विधवा सारी उम्र विधवा ही रहिंदी है ते दूजे व्याह बारे कदे सोचदी भी नहीं। पर तुसी मैनूं लगदा बड़ी चंगी तरह समझ गए होणे।
ਭੂਆ ਜੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਪੁਰਾਣੇ ਟਾਈਮ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਬੀਤ ਗਈ ਉਵੇਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਬੀਤਿਆ ਹੋਈਆਂ ਸਮਝੋ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਖਾਣਾ ਖਾਓ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਤਬੀਅਤ ਕੁਝ ਚੰਗੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਾ ਨਾ ਪਾਪਾ ਜੀ ਕੁਝ ਦਿਨ ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਹੋ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਕਿੰਨਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤਰ ਮੈਨੂੰ ਚੱਲਣਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਧੀ ਦੇ ਘਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਨ ਵੀ ਰੁਕਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ